सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ओझड़ी। क्या बनाने जा रहे हैं भाभी? ओझड़ी भाभी, पता नहीं मुझे क्या बोलते हो तो मैं ना खाई जानती। हट किचन से पूरा क्रेडिट लेके जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने उबाल लिया ओझड़ी को हल्दी और नमक डाल के, और उसके बाद देखते है कि कैसा बनता है। अभी कांदा फिलहाल पिघला रहा हूँ तेल में, खाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कांदा पिघल रहा है धीरे धीरे। इसमें हल्दी और नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं तो इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें हम डालेंगे मसाला। मसाले को फिलहाल पीस दिया मेरी बीवी ने। तो आज करें पार्टी? किस चीज की पार्टी भाई, किस चीज की करेंगे पार्टी? तू जो इतनी बड़ी हो गई, इस चीज की पार्टी करते है ना। देखो दोस्तों, मैं इन्हीं हाथों से इसको पहले खिलाता था बचपन में, आज ये कितनी बड़ी हो गई देख रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने मसाला डाल दिया हूँ। कांदा और मसाला अच्छे से भुनेगा, उसके बाद ये जाएगा और वो ओझड़ी तैयार हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर नहीं डालूंगा। हल्दी पाउडर? नहीं, हल्दी पाउडर भी नहीं डालूंगा। क्या तूने जो सवेरे सवेरे टट्टी की थी वो उसका मसाला कहाँ है? और खाए बाथरूम में ले क्या जल्दी। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा मसाला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आपको खुशबू आ रही होगी मस्त। नहीं पकड़ना, तू भी दिखना इसे नहीं दिखेगी तू जाने दे, अब मेरे को दिखा। सो दोस्तों देख सकते हैं मैं ओझड़ी डालने जा रहा हूँ पूरा का पूरा इसके अंदर। ये गया स्वाहा। दिखाओ जरा कैसे डाल रहे, कैसे खाने में लगेगा यार, कैसे खाते है पता नहीं। छी, जैसे तू भू खाती है वैसे ही लगता है खाने में, कैसे खा लेते है। तो दोस्तों एक चीज दिखाना चाहूंगा, बेबी दिखा, तू दिखा दे। एक चीज है दोस्तों इसके अंदर। क्या है वो दिखा दे, वो क्या है? हाँ अरे ये क्या है बता? ये तो सेम टू सेम ये आपका लग रहा है सच्ची। ये कहाँ से लाया, इसको क्या बोलते है? इसको बोलते है बकरे का। क्या बकरे का? अरे सच्चो बताओ ना, ये सेम टू सेम आओ तो आपका नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है ये। फिलहाल यहाँ लाइट नहीं है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। तो आप आज क्या खाने वाले हैं बकरे का? ल तो दोस्तों मैं यहाँ खाना बना रहा हूँ और मेरी वाइफ के मुंह में पानी आ रहा है। अबे वो खाने के लिए मुझे मुंह में पानी नहीं आएगा। चिंता मत कर, थोड़ी देर के बाद खिलाता हूँ। पानी गर्म करना है, पानी दे हल्का सा, इसमें पानी डालना है। तो इसमें बकरा उबाला था, इसमें पानी गर्म कर देता हूँ। गर्म गर्म पानी डालूंगा, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी गर्म करके फिर इसमें डालूंगा, उसके बाद इसे पकने देंगे। दोस्तों टमाटर भूल गया था तो टमाटर ऊपर से अब डाल दिया। पता नहीं टमाटर पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, वो मुझे नहीं मालूम है, फिर भी ट्राई कर। तो देख सकते हैं दोस्तों जो पानी उबलने के लिए डाला था वो उबल चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम लोग। ये गया पूरा पानी। तो अब हम इसे आराम से पकने देंगे, कम से कम इसे 50 घंटे तक पकाना है। बेबी 50 घंटे में मेरा खाना तैयार हो जाएगा, तू तैयार है खाने के लिए? अरे मैंने खाने वाली हूँ बकवास खाना। तो दोस्तों इसका कलर आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है। अब बस 5 मिनट में ये पक जाएगा। और बात करें मसाले की दोस्तों, तो फिर आपके पास जो भी मसाला हो, लौड़ा लहसुन सब डाल सकते हो इसमें। देखिए काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो फाइनली दोस्तों मेरा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो बेबी कैसा लग रहा है देखने में? क्या है वो लड़ा चुस्ता? जो भी है तो नहीं खाएगी ना। तो देखिए दोस्तों बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं चूस्ता, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, कहाँ दिख रहा है? तो देख सकते हैं आप, देखिए बन के तैयार हो चुका है। भाभी जी खाओगे? तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि आपकी भाभी जी शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, फिर भी हम एक छत के नीचे कैसे रहते हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है ना बीबी जी। मुझे बिगाड़ के रख दिया है ये। तो बिगाड़ के रख दिया मैंने? क्यों झूठ बोलती है ये? दोस्तों ऐसा मतलब बना बनाया चीज नहीं लेती है, जिंदा चीज ही खाती है ना। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेरी वाइफ शाकाहारी है, तो उसके लिए लेके आए मार्केट से मंचूरियन। ये लो मेरा मंचूरियन दो।
और मैं अपने लिए एक चीज लेके आया हूँ, वो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा। दिखाओ क्या लाया है, दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए, और भाभी जी बोनबुना लाने के लिए। बता पहले, तेरे बाप का पैसा क्या लाया क्या मैंने? हाँ ना बोल, कैसे रही है? तो दोस्तों चलिए, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसे ढकेल के मैं इसको ढकेलूंगा। अपने पिएगा कि दोस्तों को भी पिलाएगा? दोस्तों आप लोग भी पीते हो क्या? पीते हो तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए एक एक पार्सल मंगवा दूंगा।